हाय, दिस इज़ मनीष मेहता। और मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि वो जो ग्रेडियंट्स है वो क्या होता है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डेल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ बता रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा इसमें और आगे आने वाले वीडियोज़ में वेक्टर कैलकुलस में, जिसमें मैं बताऊँगा कि डेल ऑपरेटर जो होता है उसका एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, या फिर जो ग्रेडियंट है उसका यूज़ कैसे लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट का यूज लेकर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझ में आएगा। क्वेश्चन बताया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट -1, -1, 2। पूछा है सरफेस है, ये क्या सरफेस, मतलब मैंने बता रखा है कि एक तरीके से फंक्शन हो गया, स्केलर फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर टाइप का चीज हो गया, एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब अलग अलग एक्स वाई जेड हम लोग डालते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन से 4 ही आना चाहिए, वो सब एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई ये वो एक्स वाई जेड नहीं, ऐसा एक्स वाई जेड चूज करना है जैसे कि एक्स को 4 ले लिए, वाई को ले लिए 1 और जेड को भी ले लिए 1, तो ये 4 आ जाएगा इस टाइप का, मतलब एक्स 4 वाई 1 जेड 1, इस टाइप के अलग अलग एक्स वाई जेड को हम लोग डालते हैं तो आ जाता है 4। ठीक है, तो उन सब को हम एक साथ रखेंगे तो बन जाएगा वो सरफेस। ठीक है, तो उस सरफेस पे किसी एक पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट, -1, -1, 2, इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर बताना है नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ये जो सरफेस बना, कौन सा सरफेस था मैंने बताया, ये सरफेस बना उस पे नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब इधर डायरेक्शन में 90 डिग्री सरफेस के बताना है कि ये डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में बताना, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बता रखा है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है डेल ऑपरेटर में, या फिर जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट में, कि जो ग्रेडियंट होता है वो बताता है हमें ये सरफेस होता है जो वैल्यू सेम आने वाला सरफेस, जो इक्वी सरफेस होता है, इक्वी स्केलर सरफेस, उस जो हम लोग अगर ग्रेडियंट फाइंड करते हैं इस, अगर एफ जो एज्यूम किए उसका, तो ये जो चीज है वही बताता है इस डायरेक्शन को, इस नॉर्मल डायरेक्शन को। ठीक है, तो हम लोग फिर ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, मतलब डेल ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। डेल क्या होता है, बहुत ही आसान है, बता सकते हैं क्या आप, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप इंटू, ये जो चीज है उसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, अब इसे ब्रैकेट खोल के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत इजीली आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई क्यूब, कुछ नहीं, मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, ब्रैकेट खोल दिया, वही कर रहा हूँ मैं, प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब भी कुछ नहीं है, ये सब फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान है, क्या दिख रहा है, ये सब बहुत ही आसान सा चीज है, ये मैंने दिया आई कैप का था, ये वाला चीज जो है वो जे कैप का है। ठीक है, और ये वाला चीज जो है वो के कैप का है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस चीज, इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के डायरेक्शन में फाइंड करो, इस चीज का वाई डायरेक्शन में और इसी चीज का जेड डायरेक्शन में, जो वैल्यू आएगा आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ क्या आता है मैं बताता हूं, मैं इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स खाली डिफरेंशिएट होगा, ये सबको कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, यहां सिर्फ बच जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर, यहां पे करेंगे तो एक्स वैसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वाई क्यूब को सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी को करेंगे, तो 3 के साथ होगा तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे जे कैप जरूर लिखे हैं, बोले नहीं, ये वेक्टर का चीज है, ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर होता है। ठीक, और वही तो फाइंड करना है हमें डायरेक्शन, और
एक्स को वैसे ही रखेंगे क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई क्यूब को भी वैसे रखेंगे और जेड को करेंगे तो इंटू टू जेड। ठीक है, ये हमारा आ गया ग्रेडियंट। तो ये जो ग्रेडियंट है, जो भी चीज आया उसका, इस पॉइंट पे हम लोग पहले वैल्यू निकालते हैं, मतलब इस एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू आप लोग डाले इसमें तो क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान है, क्या आएगा, एक्स माइनस वन, यहाँ तो एक्स है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, वाई और जेड, तो वाई और जेड का वैल्यू डालिए, तो वाई इज माइनस वन का क्यूब और टू का स्क्वायर। ठीक है, आई कैप प्लस थ्री ऑफ एक्स इज माइनस वन, वाई स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर और जेड का मतलब टू का स्क्वायर, एज यूजुअल कुछ नहीं, टू ऑफ माइनस वन। तो इसको मैंने फाइंड किया आई कैप जे कैप के कैप के साथ, आया माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप, ये आ चुका है ग्रेडियंट का वैल्यू इस पॉइंट पे। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा क्योंकि एक्स वाई जेड अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे पूछा है तो इस पॉइंट पे आ चुका है हमें ग्रेडियंट का वैल्यू, मतलब ये जो चीज है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता था, वेक्टर, और वेक्टर का होता है डायरेक्शन और होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैंने बता रखा है फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कि वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन, तो इसका हमें बेसिकली डायरेक्शन पूछा है। तो इसे हम एक वेक्टर है यार, इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते, बहुत सिंपल तरीके से जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसके अगर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन होता है उसका। तो कर दो, इसको लिख दो फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप, और इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, जो भी आएगा क्या आएगा, ये कुछ इस टाइप का चीज आ रहा है, माइनस वन बाय रूट ग्यारह। ठीक है, आई कैप माइनस थ्री बाय रूट ऑफ ग्यारह जे कैप और प्लस वन बाय ग्यारह के कैप, कॉमन ले लेते हैं माइनस वन बाय ग्यारह रूट ग्यारह को, कुछ आई कैप ठीक है प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, इस टाइप का चीज आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मैंने अलग कर दिया, मतलब आप इसे सॉल्व कर लेना बेसिकली, कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा। और ये बेसिकली मैंने क्या किया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये है इसका मैग्नीट्यूड। सब कोई फाइंड कर सकते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका डायरेक्शन बता देगा, मतलब उसका यूनिट वेक्टर बता देगा। तो ये यूनिट वेक्टर आ चुका है, मतलब ये है हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, एन कैप डायरेक्शन, ये हमारा आंसर है। दिस इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, इसमें थैंक यू।